तू ही जहन में शाम सवेर तेरी ही लब पे बात है, तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पे अब वो जगह भी खास है, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए हम ओ सनम। थैंक यू, थैंक यू। All right, now the stage is open for questions from the media. Please, एक-एक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। I think एक तो वो magical trio वाली बात नहीं है, it's the magical punch. क्योंकि you know, first of all, Bhushan sir is with us, so he is always guiding, जैसे इन्होंने बोला. So I think it's not about you know we receiving his inputs, it's also he listening to us, you know, all the time. So I can you know call him at 12 in the night and he'll pick up my phone. So you know, and that's I think Jubin with you also, Manoj you with you also, right? Totally. So thank you sir for being such you know amazing person, and of course Aditya, because Aditya is the guy who you know produces our music. So wo jo sara amazing beats hai aur sara amazing music hai wo Aditya ka hai, so it's the magical punch. So इन्होंने ये जो बात बोली ना कि भूषण सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं गानों पे फीडबैक देने के लिए, ये बात लोगों को फिगरेटिव लग रही होगी, मुहावरा लग रहा होगा, ये सच है। 12:30 बजे रात में जगा के मैंने एक लाइन पूछी थी, सर ये कैसी लग रही है, एंड मैंने बाद में वॉश, ये तो एकदम इसमें ये ठीक है वो ठीक नहीं है, इसको हटा दो वो बदल दो, एकदम जैसे कि दिन के 12 बज रहे हूँ। And when I disconnected, I realized I had called him at 12:30 in the night, and he responded to that call. और ऐसे बात की जैसे कि ये हम साथ बैठ के कोई गाना बना रहे हूँ। तो that is the power, the charisma, and that is the magic of being Bhushan Kumar. एक बार तालियां इस चीज़ के लिए। क्या बात? और जब आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो मैं ईमानदारी से बता दूँ, टी सीरीज के बाहर वाले मेरे हिट नहीं हो रहे हैं। That's it, all about it. Jubin, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस? यार, I would just like to say कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम लोग को एक पहला गाना निकालने का मौका मिला था सर, मेरी आशिकी, उस वो पहला गाना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हम आ गए, उसमें भी शुरुआत आई थी, बारिशें आ गई चली गई, और इसमें भी है बारिशों का ये महीना। सेम डायरेक्टर, सेम कंपोजर, सेम राइटर, एंड मेरा नहीं था, मुझे फायर कर दिया गया अंडर ऑल। अच्छा, रश्मि विराट था ये आपके लकी चार्म डायरेक्टर हैं, एम आई, इफ आई एम यस। तो जितने भी गाने मैंने और आशीष भाई ने साथ में करें, वो इवेंचुअली दे हैव यू नो, मतलब हम लोग की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दो दो तीन तीन साल, चार चार साल गाने चल रहे हैं, उस तरह का उसका है। तो इट्स जस्ट स्पेशल, I think God has given us this chance to work together and make this beautiful music together, Adi bhai, and all under sir. He really puts in a lot of himself in the song every time, and wo passion, jab aapki team ke captain mein utna passion hota hai to fir team ko lagta hai ki abhi aur mehnat karni hai, we have to pull out better songs. So I think that's where we are at. So yeah, thank you. All right, give it up ladies and gentlemen for the whole team here. वेल, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि निकिता का फेवरेट गाना है तो आ गए हम, उसके कुछ लाइंस अगर आप निकिता के लिए। आई नो, टू मेंटेन दैट, और फिल्मों में भी ऐसा कुछ भी आने का मन नहीं है अभी। मनोज जी, आप बता रहे थे कि भूषण जी बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, कभी आपको लगता है कि भूषण जी एक पूरा गाना लिखेंगे, और भूषण जी के मन में है ये बात कि मतलब इतना टैलेंट है तो लिखे उनका नहीं, गाना नहीं, एकदम नहीं है ये। नहीं नहीं, देखिए यही तो बात है, भूषण जैसे रोशक ने एक बात आप अभी आपसे कही कि भूषण जी इनपुट्स देते हैं, भूषण जी का काम है इंस्पायर करना, भूषण जी का काम है हमारे लिए रोड मैप बनाना, भूषण जी का काम है मुझे ये बताना कि पोइट्री एक जगह, शायरी एक जगह, म्यूज़िक एक जगह, लेकिन ये एक दुनिया है बहुत बड़ी, ये दुनिया क्या सुनना चाह रही है, पूरी दुनिया में क्या सुना जा रहा है, किस तरह का म्यूज़िक सुना जा रहा है, वो इस देश में इनसे अच्छा कोई नहीं समझता। तो
उस तरह हमें ये एनरिच करते हैं कि इस गली में जाओ, इस इलाके में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, शायद कोई अच्छी चीज बन जाए। हाय दिस इज रवि गुप्ता हियर फ्रॉम फिल्मी फीवर। मेरा सवाल जुबीन और मनोज सर आप दोनों से है जी। आप सभी जो गाने आप रिक्रिएट कर रहे हैं आपने बचपन में कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपके दिल के करीब होगा, ओके तो कितना चैलेंजिंग, कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है या कितना आप एक्साइटेड हो जाते हैं रिक्रिएट वर्जन को लिखने के लिए, गाने के लिए, और एक नए एनर्जी के साथ, नई बोल के साथ लोगों के बीच ये वायरल भी हो जाए, तो कुछ अंदर से फील तो होता होगा, वो कुछ व्यक्त करना चाहेंगे आप? आप शुरू करें, मनोज ज्वाइन करता हूँ। मनोज जी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊँ, मैंने ये बात पहले भी कही है कि जब हमने गाने रिक्रिएट करने शुरू किए, जो भी हमने गाने रिक्रिएट किए, और जब मैं हमने कह रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो, हमने कभी गाने इसलिए नहीं बनाए कि देखो जो ओरिजिनल था वो ठीक नहीं था, हम अच्छा करके दिखाते हैं। हमने हमेशा गाने इसलिए बनाए कि जो ओरिजिनल था वो इतना अच्छा था, लेकिन वक्त की धूल जम गई उस पर, हम वो धूल झाड़ के इसको वापस लाना चाहते हैं। नए बच्चों को, जो जेन ज़ी हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको नहीं पता कि उस्ताद जी क्या गा के चले गए, उनको सुनाओ, नए कलर में सुनाओ, नए फ्लेवर के साथ सुनाओ, नए वीडियो के साथ सुनाओ। तो हमेशा मकसद ये रहता है, हम अटमोस्ट रेस्पेक्ट के साथ गाने रिक्रिएट करते हैं, कभी कोई गुरूर, कोई ईगो उसमें शामिल नहीं होता, डर शामिल होता है, ये बात सही है। लेकिन जितने भी लोग हैं, वो चाहे जुबिन हो, मैं हूँ, रोचक हो, आदि हो, भूषण जी हो, हम लोग ये बहुत बार सोचते हैं कि जिस गाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं इसकी प्योरिटी को क्या हम बड़ा कर पाएंगे। कितने गाने हमने शुरू किए अबॉर्ट कर दिए क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, भूषण जी का फ़ोन आ गया, उतना अच्छा नहीं बन रहा है मनोज, जाने दो इसको। बहुत सारी मेहनत गई हुई, दो दो महीने काम किया हुआ, हमने उसको अबॉर्ट कर दिया इसलिए कि शायद ओरिजिनल के मुकाबले हम कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। तो ये जो विनम्रता है म्यूज़िक को अप्रोच करने की, वो एज ए कंपनी, एज ए लेबल टी सीरीज़ के साथ हमेशा रहती है, और जब तक ये पोलाइटनेस, जब तक ये विनम्रता, ये सादगी बनी रही, मुझे कोई शक नहीं है कि हम हिट पे हिट गाने रिक्रिएट भी करते रहेंगे और नए भी बनाते रहेंगे। मेरा सवाल, बहुत केमिस्ट्री का बड़ा जिक्र करा जा रहा है और केमिस्ट्री दिख भी रही है, और एक गाना बनाने का प्रोसेस होता है भाई, हफ्ता लग गया या 10 दिन लग गए और गाना कंप्लीट हो गया। आप दोनों की जो मुलाकातों का दौर चला, कॉफ़ी और कभी शॉपिंग, उस टाइम पे केमिस्ट्री बनाई जा रही थी या फिर गाने पे काम करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री वहाँ दिखनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली तो केमिस्ट्री बनाने में कितना टाइम लगा? हम लोग पकड़े, बोलना गलत वर्ड हो गया, बट हम लोग ने पकड़ा इस तरह से कॉफ़ी पीते हुए बहुत बाद में। हम लोग तो पहले भी मिलते थे, पहले भी हम लोग इनफैक्ट जानते एक दूसरे को बहुत समय से है, 4-5 साल से जानते हैं। तो उस टाइम से एंड जस्ट वी हैव बीन इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इट्स जस्ट कोइंसिडेंटल कि उस टाइम पर ये जो जो भी आप लोगों ने देखा है हमें बाहर जाते हुए एंड ये जो वीडियो, इट्स वेरी कोइंसिडेंटल एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दैट ऑफ कोर्स इज रिफ्लेक्टिंग इन द सॉन्ग द केमिस्ट्री। हेलो जुबिन, नेहा देसाई फ्रॉम आजतक। हाय, मेरा सवाल है कि मनोज जी के और भूषण जी की केमिस्ट्री का तो हमें आइडिया है, अंदाज़ा लग गया, पर आप दोनों की केमिस्ट्री का क्या है, आपका और भूषण जी का? टी सीरीज़ का एक लंबी जुगलबंदी रही है ना। देखिए, ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स रहे हैं जब भूषण जी ने मुझे गाना भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया गाना कि कैसा गाना है, ये कैसे करूँगा, इसमें वीडियो क्या होगा, बट दैट्स वेयर trust comes in. I've trusted him, and every time I've trusted him it has paid off all of very very well. That song has worked. Us gaane ne bahut credential diya, us gaane ne bahut pyar diya, us gaane ne aage aur naye gaane karne ka mauka diya. So ye ek aisi line of work hai, yahan par aapki jo result hai work ka wohi apne aap mein chemistry hoti hai. So mujhe lagta hai meri aur Bhushan ji ki chemistry pichle 5 saal se hum log saath mein kaam kar rahe hain, एंड इतने डाइवर्स म्यूज़िक कंपोजर्स, इतने डाइवर्स राइटर्स, इतने कमाल के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला कि आप लोग भी जब मेरा पूरा ग्राफ देखेंगे करियर का, आप देखेंगे किस तरह से ग्रो करने का हर बार आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है इसमें। सो दैट्स ऑल हैंड्स ऑफ टू दिस मैन, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ वेरी गुड एट इट। थैंक यू। हाय आशीष, थैंक यू, मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू भूषण जी, मनोज जी और जुबिन, आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल जिस तरीके का म्यूज़िक चल रहा है,
वैसे समय में जहाँ हिप हॉप रैप और तेज़ फास्ट पेस्ड और ढिकचिक ढाकचिक वाले म्यूज़िक चलते हैं, वहाँ पर फिर से मेलोडी और मीनिंगफुल लिरिक्स आप लोग लेकर आए हैं। पहले तो भूषण जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जनता के नब्ज़ आपने फिर से कैसे पकड़ी, और जुबीन आपको तो मैं हमेशा बोलता हूँ मतलब आप मखमली आवाज़ के बादशाह हो, और लिखने में मनोज जी का तो कोई सानी है नहीं। Thank आप तीनों बताना चाहेंगे कि जनता की नब्ज कैसे पकड़ते हैं, और कहीं डर रहता है कि पिछले गाने से जो रिकॉर्ड बना है उसको तोड़ना है, उससे बेहतर कैसे किया जाए। देखिए ऑनेस्टली एज अ सिंगर जब भी व्हेन आई कम ऑन बोर्ड तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है, मेरा काम तो सिंगिंग करना है बाद में। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द सॉन्ग, मतलब महीनों की मेहनत होती है, वो भूषण जी, मनोज भाई, रोचक भाई, आदि भाई, आशीष भाई, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलॉग वर्क दैट गोज ऑन बिफोर वी कम एंड शूट इट एंड सिंग इट। सो डेफिनेटली आई थिंक इसके बारे में आपको किसी को भी मैं माइक दूँ यहाँ पर सब बता पाएंगे कितनी मेहनत उससे पहले लगती है। सी एज फार एज आपने बोला कि जो एक नब्ज है आपने किस तरीके से, ये मैं बहुत टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, दिस हैज़ कम फ्रॉम माई फादर। मेरे पापा जब पहले बहुत हम पहले एल्बम्स ही बनाते थे, बहुत नॉन फिल्म एल्बम बनाई, लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह सबको बहुत याद होगी, आशिकी भी जो फर्स्ट आशिकी बनी थी पहले एल्बम बनी थी और फिर उसके बाद वो फिल्म में कन्वर्ट हुई थी। तो आई गेस वो एक इनहेरेंट मेरे फादर से मेरे अंदर एक वो म्यूज़िक को सिलेक्ट करने की एक पावर जो आई है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, एंड उसी चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और उसको और बेटर बनाए रखते हैं। और प्लस जिस टाइप का सपोर्ट हमें हमारे लिरिसिस्ट से मिलता है, मनोज जी से, कंपोज़र से, और उससे उसको और बेहतर बना लेते हैं। Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. May I please ask Neeraj Kalyan sir to please come on stage.